आमिर खान की फिल्म दंगल में काम कर चुकी चाइल्ड आर्टिस्ट सुहानी भटनागर का 19 की उम्र में निधन हो गया है। उनकी मौत का कारण एक ऐसी बीमारी बनी जो बेहद ही कम लोगों में पाई जाती है। उनके घर वालों के साथ साथ उनके फैंस भी अब सदमे में हैं। रिपोर्ट देखिए। साल 2016 में दंगल फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर आई थी तो पूरी तरह से छा गई थी। फिल्म हरियाणा की रेसलर गीता और बबीता फोगाट और उनके पिता महावीर फोगाट पर बनी थी, जिसे दर्शकों की खूब वाहवाही मिली थी। ये फिल्म रेसलिंग को लेकर लड़कियों को प्रेरित करने में भी काफी कारगर रही। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी एक अदाकारा के अचानक निधन की खबर सामने आई है। दंगल फिल्म में सुहानी भटनागर ने बबीता फोगाट के बचपन का रोल निभाया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के लिए उन्हें काफी तारीफ मिली थी। सुहानी भटनागर की मौत की खबर से पूरा बॉलीवुड सन्न है। उनके चाहने वालों को खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी कम उम्र में सुहानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अभी वो केवल 19 साल की थी। जिंदगी के लिए कई सपने बुने थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक घातक बीमारी ने उनकी जान ले ली। बताया जा रहा है कि सुहानी डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी से पीड़ित थी। उनका काफी समय से इलाज चल रहा था। सुहानी का निधन शनिवार को दिल्ली में हुआ। ये जो बीमारी है ये काफ़ी रेयर होती है और ये क्रोनिक बीमारी है। धीरे धीरे स्किन पे रैशेस पड़ने लगते हैं, जो स्किन है वो डस्की होने लगती है और सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जो है बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाती है। सुहानी के साथ भी ऐसा हुआ था कि सुहानी को इन्फ्लेमेशन की दिक्कत हुई थी और धीरे धीरे स्किन पर रैशेस पड़ने लगे थे। कहा जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले उनके हाथ में सूजन आने लगी थी। सुहानी के ट्रीटमेंट के लिए लगातार दवाई चल रही थी, जिससे उन्हें साइड इफेक्ट होने लगा। हमें बीमारी के बारे में तो 2 हफ्ते पहले पता चला एम्स में। उससे पहले तो हम लोग को यही नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है। एक हाथ में स्वेलिंग आ गई है, हमें लगा कि क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं डॉक्टर से मिलते हैं क्या बताते हैं वो। तो पहले यानी कि पता ही नहीं लगा, कितने पहले डॉक्टर्स ने पता किया तो उन्होंने सेलुलाइटिस बोला। कुछ ने टेस्ट करे तो सेलुलाइटिस के बारे में कहने लगे, सेलुलाइटिस के एंटीबायोटिक्स दिए। सेलुलाइटिस नहीं था वो एग्जैक्टली, उसके फिर कुछ रिएक्शंस वगैरह हो गए बीच में, फिर उसको कोल्ड कफ शुरू हो गया। घर वालों ने थक हार कर सुहानी को 7 फरवरी को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया। जब टेस्ट हुए तो पता लगा कि उन्हें डर्मेटोमायोसाइटिस की बीमारी है। अभी तक पूरी दुनिया में ऐसे 5 से 7 केस ही सामने आए हैं। इसके बाद सुहानी को एस्ट्रॉइड्स दिए गए। बाद में सुहानी की इम्यूनिटी कमजोर होने लगी। डर्मेटोमायोसाइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। ये कैंसर तो नहीं है, बट कैंसर की तरह फेटल है। बीमारी से भी डेथ हो सकती है आदमी की, और चूंकि डायग्नोज लेट इसलिए होती है क्योंकि बहुत रेयर बीमारी है, डॉक्टरों को भी नहीं मालूम पड़ता। इवन हम लोग सीनियर हैं, हम भी 8 से 10 पेशेंट्स ही देखते हैं एक साल में। इसका नाम है डर्मेटोमायोसाइटिस। तो स्किन की बीमारी की तरह प्रेजेंट होती है और जो शरीर की जितनी मसल्स हैं, जो रेस्पिरेटरी मसल्स भी हैं, वो भी धीरे धीरे पैरालाइज हो जाती हैं। कॉमन हम इसके लक्षणों की सिम्टम्स की बात करें तो स्किन के अंदर जैसा चेंजेस आते हैं, रेड रैशेज आपके फेस पे, एल्बो पे, नीज पे, वो पेनफुल भी हो सकते हैं और इचिंग भी हो सकती है। और मसल्स में बात करें तो वीकनेस होना शुरू होती है आपकी हिप्स में, थाई बोन में, आपके शोल्डर्स पे। दंगल फिल्म के बाद सुहानी भटनागर को टीवी के कई विज्ञापनों में भी देखा गया। कुछ वक्त बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। सुहानी भटनागर के बेहद कम उम्र में दुनिया को छोड़ देना उनके फैंस को अखर रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी रहने वाला है। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।